सुबह उठा तो उठकर देखा कि शुएब मलिक पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लग गया। शुएब मलिक पर बांग्लादेश मीडिया और इंडियन मीडिया की तरफ से फिक्सिंग के एलिगेशंस लगे कि उन्होंने 3 नो बॉल्स की थी एक ही ओवर में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जिसके बाद बरिशल के जो ओनर है उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सच्चाई ये है कि बरिशल के ओनर और शुएब मलिक ने बिल्कुल बेसलेस करार दे दिया र्यूमर्स को इंडियन मीडिया और बांग्लादेश मीडिया में, जो सुबह से र्यूमर्स आ रहे थे कि बरिशल को बहुत मसला था, इशू था कि शुएब मलिक शायद वहां स्पॉट फिक्सिंग कर रहे हैं या मैचेस फिक्स कर रहे हैं, इसलिए इनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जाना होगा। जबकि शुएब मलिक ने कहा कि मेरी प्रायर कमिटमेंट थी जिसकी वजह से, पर्सनल रीजन की वजह से मुझे दुबई जाना पड़ा और मैं चाहता था कि 6 फरवरी के बाद से मैं ज्वाइन कर लूं अपनी टीम को, जिस पर अग्री नहीं किया मेरी फ्रेंचाइज ने, तो म्यूचुअली हमने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। कभी सोचें कि जब आप किसी प्लेयर पे इल्जाम लगाते हैं तो उसकी इमेज में क्या गुजरती है। वो प्लेयर जो 28 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसमें आज तक फिक्सिंग जैसा कोई इल्जाम नहीं है, इनडिसिप्लिन का कोई इल्जाम नहीं है, वो प्लेयर पे जब आप इल्जाम लगाएंगे तो ना सिर्फ उसके फॉलोअर्स बल्कि दूसरा मीडिया, जो इंडियन मीडिया, बांग्लादेशी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, वो सब क्या सोचेगा। इतनी सी, इतना सा टाइम लगता है किसी की इज्जत जो है उसको खत्म करने में, वही इज्जत जो बंदा सालों लगा कर बनाता है। तो सोचा करें, जब आप किसी भी र्यूमर को फैलाते हैं तो सोचें उसके रेमिफिकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका कितना बुरा असर किसी पे पड़ सकता है, उस किसी का करियर खराब हो सकता है, किसी की इमेज खराब हो सकती है, कोई डिप्रेशन में जा सकता है, किसी को बहुत बुरा सेटबैक लग सकता है। आप तो ट्वीट कर देते हैं, आप तो टीवी पे न्यूज चला देते हैं, आपके पास तो सोशल मीडिया के गैजेट्स हैं, आज आप ये कर देंगे लेकिन उसके बाद कितनी देर तक इंसान उससे निकल नहीं पाएगा, कभी ये भी सोचें। शुएब मलिक ने जब बरिशल से वो 3 नो बॉल्स की, उनके उसके बाद से ये जो र्यूमर्स है ये आना शुरू हो गए थे, और आज जब सुबह शुएब मलिक का पता चला कि अब वो बरिशल की टीम में नहीं है, तो किसी ने इन र्यूमर्स को कैश करने की कोशिश की, ब्रेकिंग न्यूज बनाकर फैलाया, रेटिंग्स लेने की कोशिश की और शायद मोनेटाइज चैनल पर पैसा लेने की कोशिश की। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता, पैसा किसी की इज्जत से बढ़कर नहीं है, किसी की इज्जत को मलियामेट करके आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको यह समझना होगा कि शुएब मलिक जैसा खिलाड़ी जिसने 28 साल क्रिकेट खेलकर इज्जत कमाने में 3 दहाइयां लगा दी, 3 मिनट नहीं लगे आपको उसकी इज्जत पर हाथ डालने में, कुछ सोचें इस बारे में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जो फॉर्च्यून बरिशाल की टीम है, उनके ओनर का यह कहना है कि शुएब मलिक ने ऐसा कुछ नहीं किया और हमें शुएब मलिक से कोई मसला नहीं है, उनके डिसिप्लिन को लेकर या उनके कैरेक्टर को लेकर या किसी बात पर हमें कोई इशू नहीं है, उसकी पर्सनल कमिटमेंट थी जिसकी वजह से वो दुबई गया और दुबई में जाकर उसने उन पर्सनल कमिटमेंट्स को केटर करना चाहा, और उसके बाद जब वो आना चाहेगा तो टीम को ज्वाइन कर लेगा, वहां से वो टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे पास ऐसा टैलेंट मौजूद है जो उसको रिप्लेस कर सकता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लीग्स में ये होता है। और शुएब मलिक ने भी यही कहा कि खुदारा कुछ सोचें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरा थोड़ा सा होश के नाखून खाएं और ये देखें कि आप जब किसी की इज्जत उछालते हैं तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा होता है, प्लीज इस पर सोचें। वीडियो शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत से लोगों ने शुएब पर बहुत से एलिगेशंस लगाई हैं, इसको खत्म करें ताकि आपको पता चले कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वीडियो शेयर करें और कमेंट भी करें।